गाइस, इस वीडियो के अंदर डाइट प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस आपको करना ज़रूरी है। अगर आप नोट नहीं कर सकते तो इनके स्क्रीनशॉट ले लो और प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। लेकिन आपको मेनली सीखना है वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे फॉर्मुलेट होंगी। इक्वेशन फॉर्मुलेट करने का मेथड ध्यान से सीखना और छोटी छोटी बातें मैंने बताई हैं उन पर ध्यान देना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें जरा समझें। रीजन ये है कि क्वेश्चन आपके पास वर्ड प्रॉब्लम में आएगा, स्टेटमेंट की फॉर्म में आएगा एंड यू नीड टू फॉर्मुलेट द इक्वेशन। आपको इक्वेशन पहले बनानी पड़ेगी और जब इक्वेशन बन जाएगी उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। उसमें फिर फिजिबल रीजन बाउंडेड भी आ सकता है, अनबाउंडेड भी, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो जरा समझते हैं कुछ बातें। देखिए, क्वेश्चन के अंदर या तो लिखा हुआ आएगा एटलीस्ट, या फिर मिनिमम, या फिर नॉट लेस देन। इन तीनों का एक ही मीनिंग है। ये तीन वर्ड्स हैं लेकिन मतलब इसका एक है। एटलीस्ट बोलो, मिनिमम बोलो, नॉट लेस देन बोलो, तो इस केस में साइन आपको ये लगाना है, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल वाला साइन, ठीक है। जब इक्वेशन बनाएंगे, इन इक्वेशन जब फॉर्मुलेट होंगी, फॉर्म होंगी और ये सारे कीवर्ड्स होंगे, देन वील यूज दिस। अगर कहीं पे आ जाए एटमोस्ट या मैक्सिमम या नॉट मोर देन, तो इन सबका मतलब एक है, ठीक है। तो इन इक्वेशन जब बनाएंगे और ऐसी बातें होगी तो वी विल यूज दिस सिंबल, लेस देन एंड इक्वल, राइट। और मोर देन, तो ये आपको बचपन से ही पता है इसका मतलब ये होता है, मोर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, आपको ये पता ही है, पहले से ही ये होता है, ठीक है। तो ये कीवर्ड, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब बात आती है जेड की। ये जो जेड है, अब तक जो क्वेश्चन हुआ करते थे वहां पर जेड गिवन होता था, यहां पर जेड आपको बनाना पड़ेगा, यू नीड टू फॉर्म द जेड, है ना। तो जेड क्या क्या हो सकता है भाई, जिस वर्ड के साथ या तो मैक्सिमा लिखा होगा या फिर मिनिमा लिखा होगा वही जेड होगा। यानी आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी हिंट दिया होगा, है ना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि दिस 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 मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तो जेड क्या हो गया, प्रॉफिट। मैं बोलूं दिस 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 मिनिमाइज कॉस्ट, तो जेड क्या हो गया, कॉस्ट, ठीक है। मैं बोलूं दिस 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 मैक्सिमाइज नंबर ऑफ केक्स, तो जेड क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ केक्स, ठीक है। मैं बोलूं दिस 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 मिनिमाइज टोटल यूज ऑफ विटामिन ए, तो जेड क्या हो गया, मिनिमाइज टोटल यूज ऑफ विटामिन ए। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जेड वो होगा जिसके साथ मैक्सिमा या मिनिमा लिखा होगा। मैक्स मतलब मैक्सिमा, मिन मतलब मिनिमा, राइट। अच्छा, तो मोटे मोटे तौर पे मैं आपको यहां पे बता दूं कि जेड क्या हो सकता है। जेड प्रॉफिट भी हो सकता है, क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, जेड कॉस्ट भी हो सकता है, और जेड कोई भी मिसिंग इंफॉर्मेशन जो आपसे वो मांग रहा है, ठीक है। जैसे वो बोल सकता है फाइंड नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ विटामिन ए, या फाइंड टोटल नंबर ऑफ केक्स, कुछ भी, तो वो हमारा जेड होगा, ओके। अब यहां पर एक ट्विस्ट आता है, कभी कभी जेड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, ना तो प्रॉफिट दिया होता, ना कॉस्ट दिया होता, और कोई भी इंफॉर्मेशन हमें इसके बारे में नहीं दी होती, जेड के बारे में बात ही नहीं होती। तो जब जेड के बारे में कोई बात नहीं होती तो जेड हम बोल देते हैं एक्स प्लस वाई को। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो बाय डिफॉल्ट जेड हमारा एक्स प्लस वाई होगा, ठीक है। मैंने स्टार लगा दिया यहां पर, तो ये बात याद रखना, मैं बार बार आपको रिमाइंड कराऊंगा, ओके। चलो जी, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर एटलीस्ट भी नहीं बोला होता, मिनिमम भी नहीं बोला होता, नॉट लेस देन भी नहीं, यानी कोई वर्ड नहीं होता, इसमें से कोई भी वर्ड नहीं होता क्वेश्चन के अंदर, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। तो जब कुछ भी ना हो तब बाय डिफॉल्ट आपको ये वाला सिंबल सेलेक्ट करना है, एटमोस्ट वाला, यानी ये वाला सिंबल, ठीक है। तो इन केस ऑफ एनी एम्बिग्युटी, एनी कंफ्यूजन, विल यूज दिस सिंबल, एटमोस्ट, ओके, लेस देन इक्वल। तो ये बातें अपने दिमाग में आप सेट कर लो, ठीक है। अब मैं लेता हूं प्रॉब्लम्स। तो देखो, डिस्कशन होगा आज एक तो डाइट प्रॉब्लम का। डाइट मतलब जो डाइट मेकर्स होते हैं वो फूड बनाते हैं, तो फूड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट विटामिन, विटामिन ए का कंटेंट इतना होना चाहिए, है ना, विटामिन बी का कंटेंट इतना होना चाहिए, कैल्शियम का कंटेंट इतना होना चाहिए, जब जाके फूड तैयार होता है। जैसे आपने देखा होगा जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो उसका स्पेशल फूड आता है, ज्यादातर दलिया आता है, मूंग की दाल आती है, इस टाइप से, है ना। तो वो डाइटिशियन डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन ऑफ पेशेंट।
ऐसी आप लोगों ने देखा होगा जब कोई जिम जाता है तो उसका डाइट चार्ट अलग होता है कि इतने बनाना, इतने एग लेने, इतना प्रोटीन वाला फूड लेना है, इतना इस टाइप से, राइट। तो ये सारे के सारे डाइटिशियन डिसाइड करता है कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फूडों को मिक्स किया जाएगा ताकि नया फूड जनरेट होगा और वो आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो वो होती है डाइट प्रॉब्लम। हाँ जी, आज ही डिस्कस होगा आगे इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। इसके अंदर देखो जरा क्या होता है। सपोज करो आपको बोलेगा, मैं यहां थोड़ा सा इसको बता रहा हूं, ठीक है, वो आपको बोलेगा कि एक फर्म है, एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, फर्म, कंपनी, फैक्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपनी फैक्ट्री में दो आइटम बनाता है, आइटम ए और आइटम बी, दो आइटम बन रहे हैं और वो दो आइटम जो बन रहे हैं वो डिफरेंट मशीन्स पर प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज करो अगर उसे बैट बनाना है, बैट बॉल जो हम खेलते हैं, अगर वो बैट बनाना चाहता है बैट्समैन के लिए, तो हो सकता है वो बैट एक मशीन पे भी जाए, हो सकता है वो हैंड ऑपरेटेड मशीन पे भी जाए, हो सकता है उस पर मैनुअली भी काम किया जाए, तो इतने सारे प्रोसेस के बाद बैट तैयार होगा, ठीक है। या फिर हो सकता है वो अपनी फैक्ट्री में नट और बोल्ट बनाता हो, नट और बोल्ट, है ना, दो आइटम हो गए, और हो सकता है नट और बोल्ट बनाने के लिए कोई मशीन ए का इस्तेमाल हो रहा हो, है ना, मशीन ए या मशीन बी पे भी वो जा रहा हो। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आइटम कितनी मशीनों से होकर निकल रहा है जब जाके वो तैयार हो रहा है। दोबारा सुनो, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, जो आइटम मैन्युफैक्चर हो रहा है वो कितनी मशीनों पर जाने के बाद तैयार होगा। ऑफ कोर्स आपको तो मालूम है, फैक्ट्री के अंदर अगर एक आइटम बनता है तो एक आइटम एक मशीन पे ही थोड़ी बनता होगा, है ना। कन्वेयर बेल्ट आपने सुना होगा बिजनेस स्टडी के अंदर, कन्वेयर बेल्ट बिजनेस के अंदर होता है, तो फैक्ट्री के अंदर कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं, जैसे उसके ऊपर एक प्रोडक्ट चलता रहता है, और जहां और यहां पर लोग खड़े होते हैं या मशीनें लगी होती हैं, तो एक प्रोडक्ट जब यहां आएगा तो ये अपना काम कर देगा, जब ये प्रोडक्ट यहां आएगा तो ये अपना काम कर देगा, इस तरह से एंड में जाके हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो एक प्रोडक्ट कितनी मशीनों पर जा रहा है, दिस विल बी डील इन मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। अब इनका पर्पस क्या है, इनका पर्पस ये है कि हर बंदा चाहेगा कि मिनिमम कॉस्ट हो जाए, मतलब हमारी कॉस्ट मिनिमम हो जाए और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो जाए, मैक्सिमम प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स हर बंदा, कल को अगर आप बिजनेसमैन बनेंगे तो आप भी चाहेंगे कि कम से कम आपकी कॉस्टिंग आए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका प्रोडक्शन हो जाए। ऐसे ही डाइट के अंदर भी, कि कम से कम आपकी विटामिन्स मिक्स हो और आपका फूड बेटर से बेटर तैयार हो जाए, तो मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एलपीपी जो होती है वो ऑप्टिमम प्रॉब्लम होती है, मिनिमम रिसोर्सेस से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना, राइट। तो ये बेसिक समझना आपके लिए जरूरी था। अब मैंने फाउंडेशन आपको दे दी, अब न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है जी। जी देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, अंडरलाइन करके पढ़ना है पेंसिल से, ठीक है। एग्जाम में पेन से अंडरलाइन लाओ नहीं है, बड़े आराम से देखना। और देखो, जब भी डाइट प्रॉब्लम आए तो क्वेश्चन को पढ़ के ही आप पता लगा लोगे डाइट प्रॉब्लम है, लिखा होगा वहां विटामिन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, विटामिन, इस तरह से कुछ लिखा होगा, और मैन्युफैक्चरिंग की भी अलग ही पहचान होगी, वहां लिखा होगा कि आइटम मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं, कि जब भी क्वेश्चन जितना भी बड़ा आ जाए नो प्रॉब्लम, हम उसे एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, डेटा को टेबल की फॉर्म में लिख लिया जाएगा। कैसे, देखो ऐसे आराम से पढ़ो, इसमें लिखा है रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू इन सच अ वे दैट विटामिन कंटेंट ऑफ मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए और 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी, ठीक है। देखो, दो तरह के फूड मिक्स हो रहे हैं, एक फूड पी और एक फूड क्यू, तो आप यहां पे लिख दो फूड पी और यहां लिख दो फूड क्यू, इस तरह से, ठीक है। और उन फूड को बनाने के लिए विटामिन का इस्तेमाल हो रहा है, विटामिन बोलो विटामिन बोलो, अलग अलग प्रोनंसिएशन है, ठीक है।
तो उसके अंदर विटामिन ए भी डाली जा रही है और उसके अंदर विटामिन बी भी डाली जा रही है, इस तरह से आप टेबल बना लेना। अच्छा, बात आती है अगर किसी बच्चे ने ये वाला डेटा ऐसे लिख दिया और ये वाला डेटा ऐसे लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टेबल तो हमारे अपने लिए बन रही है ना, टेबल से टीचर को कोई लेना देना नहीं है। हम टेबल इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारी इन इक्वेशन जल्दी बन जाए, ठीक है जी। तो इस तरह से टेबल बन के हो गई हमारी तैयार। यहाँ पे दो ही तरह की विटामिन है, हो सकता है यहाँ पे और भी बोल देता, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, तो जितने भी होते वो आगे एड ऑन होते चले जाते, टेबल और बड़ी हो जाती, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं। आगे देखना ध्यान से। अब इसने कहा है फूड पी एन क्यू इन सच अ वे दैट वाइटामिन कंटेंट ऑफ मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट, एटलीस्ट बोल दिया इसने, याद करो एटलीस्ट जब बोलता है तो ये वाला साइन आता है, याद करो अभी अभी आप देख के आए हो, एटलीस्ट में ये वाला साइन ग्रेटर देन इक्वल। तो वाइटामिन ए एटलीस्ट कितना है, 8 है, और 11 क्या है, वाइटामिन बी, ध्यान से देख लो क्वेश्चन में, तो ये एटलीस्ट है। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट जिसके साथ लिखा होता है वो कभी इनके अंदर नहीं आते, वो अलग से लिखे जाते हैं। तो एटलीस्ट का साइन ये रहा और ये 8 है, और ये भी एटलीस्ट का साइन है और ये 11 है, ठीक है। इसको अलग से टेबल में लिखा जाता है इस तरह से, ऑलराइट। तो जिस वर्ड के साथ एटलीस्ट और एटमोस्ट होगा वो कभी इन ब्लॉक्स में नहीं आएंगे, वो उनके सामने लिखे जाएंगे। अगर किसी बच्चे ने ये टेबल, ये वाला डेटा यहां और ये वाला डेटा यहां बनाया होता तो ये चीज ऑटोमेटिक यहां चली जाती है, मतलब विटामिन ए के जस्ट सामने ही रहेंगे। बड़ी काम की इंफॉर्मेशन है, पहले क्वेश्चन में समय लगाना, पहले क्वेश्चन में जितना टाइम लगाओगे समझने में, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट को सीखोगे उतना ही आगे जाके इजीनेस हो जाएगी आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। इसने लिखा है फूड पी कॉस्ट 60 रुपीज पर केजी और फूड क्यू कॉस्ट 80 रुपीज पर केजी। देखो कॉस्ट की बात आ गई, यानी ये वाला जो है 60 रुपीज का है और ये वाला जो है 80 रुपीज का है, ठीक है, पर केजी, कोई दिक्कत नहीं, इस इंफॉर्मेशन को भी होल्ड पे डालो। आगे लिखा हुआ है फूड पी कंटेन 3 यूनिट्स ऑफ वाइटामिन ए। अच्छा, पी के अंदर वाइटामिन ए की 3 यूनिट है, तो 3 भर दो उसके अंदर। नहीं समझ में आया, फूड पी के अंदर विटामिन ए की 3 यूनिट है, तो मैंने 3 भर दिया इसके और इसके सामने। आगे देखो 5 यूनिट ऑफ विटामिन ए, फूड पी के अंदर विटामिन बी की 5 यूनिट है, 5 भर दो। आगे देखो वाइल फूड क्यू कंटेन 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए, अच्छा इसके अंदर 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए, तो 4 भर दो। आगे देखो एंड 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी, इसके अंदर 2 यूनिट है विटामिन बी की, तो आगे 2 भर दो, ठीक है। इस तरह से देखो टेबल आपकी तैयार हो गई। आगे बढ़ते हैं। इसने लिखा है डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट। ओहो, मिनिमम वर्ड आ गया, ध्यान से देखो, मिनिमम, मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट के साथ मिनिमम, यानी जेड क्या है यहां पर, कॉस्ट, तो जिसके साथ मैक्सिमा मिनिमा लिखा होता है वो हमारा जेड होता है, ओके। तो कॉस्ट के साथ लिखा है मिनिमम, तो जेड यहां पे क्या है, कॉस्ट। इसका मतलब जो ऊपर दिया हुआ है ना 60 और 80, वो हमारा जेड है। तो जेड जो हमारा है वो क्या है, 60 और 80, ये x ले लेंगे, इसे y ले लेंगे, प्लस ये हमारा z है, ठीक है। बात आती है x और y कहां से आए, अरे x और y इन्हीं में से होगा, या तो ये x y होगा या ये होगा। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन x y होगा, देखो आपसे पूछा क्या है, विटामिन ए पूछा है, नहीं, क्योंकि विटामिन ए की तो पूरी इंफॉर्मेशन है, विटामिन ए के बारे में सब कुछ मालूम है, ये पता है, ये पता है, टोटल भी पता है आपको 8 या 8 से ज्यादा। विटामिन बी के बारे में ये पता है, ये पता है, टोटल भी पता है आपको 11 या 11 से ज्यादा। लेकिन पी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है ना, कि पी क्वांटिटी कितनी बनेगी, क्यू क्वांटिटी कितनी बनेगी, और इसने पूछा भी तो है ना। देखो क्या लिखा है इसने, इसने लिखा हुआ है कि डिटरमाइन करो मिनिमम कॉस्ट ऑफ मिक्सचर, यानी जो फूड पी और क्यू को बनाने के लिए मिक्सचर आएगा उसको मिनिमाइज करो। तो हमें इन चीजों को एक्स और वाई मानना है, ये हमारा फूड पी था, इसे एक्स का नाम देना पड़ेगा, और ये हमारा फूड क्यू था, इसे वाई का नाम देना पड़ेगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक तो टेबल कैसे बनेगी, टेबल में डेटा कैसे फिल होगा, जो एटलीस्ट और एटमोस्ट होते हैं वो कभी भी टेबल के अंदर नहीं आते, वो उसके सामने लिखे जाते हैं, और एक्स और वाई किसको लेट करना है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, और जेड क्या होता है, जिसके साथ मैक्सिमा या मिनिमा लिखा होता है। तो ये टेबल बन के तैयार हो गई, ऑलराइट। मैं आपको एक ट्रिक और दे देता हूं, देखो फैक्ट्री से, दुकान से, शॉप से जो आइटम बन के बाहर निकल रहा है, ध्यान से सुनना, जैसे रेशमा अगर कुछ आइटम बना रही है तो उसकी भी तो कोई शॉप होगी, कोई फैक्ट्री होगी,
या कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, तो वहां से जो आइटम बन के बाहर निकल रहा है उसे एक्स और वाई मानना। अब आपके दिमाग में ये बात सेट हो गई होगी। तो सोचो इस फैक्ट्री से, रेशमा की जो फैक्ट्री है, शॉप है, कुछ भी रही हो, वहां से क्या बन के बाहर निकल रहा है? विटामिन ए बन के बाहर निकल रहा है या विटामिन बी बन के बाहर निकल रहा है? नहीं, वहां से फूड पी कंप्लीट बन के बाहर निकल रहा है, फूड क्यू कंप्लीट बन के बाहर निकल रहा है। तो ये आपका एक्स और वाई होगा। तो जो फिजिकल क्वांटिटी बनकर बाहर निकल रही है आउट ऑफ एनी शॉप या आउट ऑफ एनी फैक्ट्री, उसे एक्स और वाई मानना है। अब मैंने आपको कई सारे मेथड बता दिए लेट करने के, ठीक है? तो आप देख लो किस तरह से आप लेट करोगे। ऑलराइट, क्वेश्चन आप देख रहे हो, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। यहां हमेशा प्लस लगाना है जब भी हम जेड निकालेंगे, क्योंकि कंबाइंड कॉस्ट आएगी तो प्लस करके। चलिए, ये जो टेबल आपने लिखी है, ये जो टेबल आपने बनाई है, ये टेबल अगर आप फेयर बना के आओगे तो भी ठीक, अगर आप ये टेबल नहीं बना के आओगे तो भी ठीक, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये टेबल बनाना कंपल्शन नहीं था, लेकिन मेरा मानना यह है कि जैसी ये टेबल बन जाएगी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे इजीली, ठीक है? चलिए, अब यहां पे ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, अगर स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेट, ठीक है, हमें निकालना है फूड पी और फूड क्यू। तो लेट इस तरह से हमेशा लिखा करो, क्वांटिटी ऑफ फूड पी इज इक्वल टू एक्स के जी, है ना? हमें क्या पता कितना है, तो एक्स तो हमें नहीं मालूम, तो एक्स के जी, क्योंकि यहां के जी की बात हो रही है। क्वांटिटी ऑफ फूड क्यू इज इक्वल टू वाई के जी, ठीक है? तो मैंने टेबल देख ली। अब बड़े आराम से देखना, बड़े आराम से पहले लिखो जेड के बारे में इंफॉर्मेशन। तो जेड क्या है, मिनिमा या मैक्सिमा? एंड में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में, मिनिमम कॉस्ट। तो आप यहां लिखो मिनिमाइज, मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू, और जेड था कितना, 60 था फूड पी इसलिए 60x बोला, और 80 था फूड क्यू इसलिए 80y बोला। अच्छा, क्यों बोला ऐसे? देखो सुनो, अगर फूड पी 1 kg बना तो कॉस्ट 60 रुपया आएगी, अगर फूड पी 2 kg बना, x की वैल्यू 2 हो गई तो 60 × 2 हो जाएगा 120, अगर फूड पी 3 kg आया तो कॉस्ट हो जाएगी 60 × 3 180। तो यानी डिपेंड है इसके ऊपर, जितना केजी फूड होगा कॉस्टिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी। अब आ गया समझ? तो ये जेड हो गया। लिखने का देख लो तरीका, टेबल हम अपने लिए बना रहे हैं, लेट हमें दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, इसके बाद हमेशा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज में से कोई एक आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और जेड लिखा जाएगा, ठीक है? इसके बाद आपको एक लाइन लिखनी है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स माने बैरियर्स, कंडीशंस, ठीक है? ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। अब बनाएंगे हम इन इक्वेशन, ध्यान से देखना। देखो ये क्या है, एक्स ये 3, ये क्या है वाई ये 4, और टोटल ये है, तो ऐसे ले लो ना 3x और ये 4y और टोटल इतना, यानी ऐसे 3x प्लस 4y, और साइन ये है ही, एटलीस्ट इसने बोला ही था, इक्वेशन फर्स्ट हो गई है, ठीक है? बात आती है सर ऐसे क्यों लिया, ऐसे क्यों नहीं लिया? अगर मैं ऐसे लेता तो ये भी 3x और ये भी 5x, तो y को तो यूज ही नहीं हो पाता, और मैं इक्वल में लिखता क्या? नहीं समझे, अगर मैं ऐसे लेता तो ये 3x और ये 5x, तो इक्वल में क्या लिखता? समझ आया? तो इसलिए ऐसे करके लेना है, अगर आपने टेबल ऐसे बनाई है, वो टेबल आपको ऑटोमेटिक ना गाइड कर देगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला बनाओ जी, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है 3। अगला बनाओ, देखो ये क्या है 5x, ठीक है, ये क्या है 2y, क्योंकि इसे y माना हुआ है और टोटल भी लिखा हुआ है, तो ये हो गया जी 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 11, दिस इज सेकंड। ओके, अच्छा डन हो गया, पूरी इंफॉर्मेशन हमने लिख दी। अब यहां पे एक खास बात, एक ट्विस्ट आता है, ठीक है? फिर मैंने यहां लगा दिया स्टार, ट्विस्ट है, ठीक है, ताकि आप ध्यान रखें। हमेशा एलपीपी के वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा आपको एक ये वाली इनइक्वेशन खुद ब खुद बनानी है, इसका नाम थर्ड है, एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। यहां पर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 ही लगाना है, यहां पर तो वो साइन लगाना है जो क्वेश्चन में है, एटलीस्ट है तो एटलीस्ट वाला, एटमोस्ट है तो एटमोस्ट वाला, बट यहां पर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल मतलब एटलीस्ट ही लगाना है, चाहे कुछ बोले चाहे ना बोले, और ये खुद बनानी है सेल्फ, बिना किसी इंफॉर्मेशन के। क्यों बनानी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यार कि जो केक बन रहे हैं, जो पी और क्यू के आइटम, जो हमारे फूड बन रहे हैं, सॉरी केक ध्यान आ गया, जो फूड बन रहे हैं पी और क्यू, वो कुछ ना कुछ तो होने चाहिए, या तो 0 बने या 0 से कुछ ज्यादा बने, नेगेटिव में थोड़ी प्रोडक्शन होगा। तो इसका मतलब है x और y की वैल्यू या तो 0 हो या 0 से ज्यादा हो, और शेडिंग जो होगी वो ग्राफ के टाइम वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी,
तो ये मतलब है। तो हर एक एलपीपी के वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में ये आपको खुद बनाना है अपने आप, इसके बारे में बात कभी नहीं करेगा क्वेश्चन वाला, ये खुद बनाना है। साइन हमेशा एटलीस्ट का लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल का, यहां वो लगाना है जो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तैयार हो गया। अब ये क्वेश्चन कुछ कुछ वही तो बन गया जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। हाँ, तो आप इसे ट्राई करो, मैं आपके लिए हिंट और आंसर देके जा रहा हूं जी गाइस। तो देखिए मैंने आगे इसके सॉल्व कर दिया, हालांकि आपको आता है बट फिर भी मैंने एक क्वेश्चन तो कम से कम पूरा आपको अच्छे से कराऊं। ठीक है, बाकी फिर मैं हिंट देके छोड़ूंगा। तो देखो मैंने इसको बुलाया फ्रॉम इन इक्वेशन फर्स्ट, मेरा वही वाला मेथड जो वीडियो नंबर वन में था। जिसको वीडियो वन नहीं आती, जिसने वीडियो वन नहीं देखी, वो इसे कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लो वीडियो नंबर वन आपने अच्छे से नहीं देखी। तो वीडियो नंबर वन देखो पहले अच्छे से। चलिए जी, तो मैंने यहाँ पे इक्वल लिया, जो भी साइन होता है मुझे हमेशा इक्वल लेना होता है, जैसा मैंने वीडियो वन में बताया था। ये टाइप टू है, टाइप टू में आपको पता है एक बार एक्स जीरो एक बार वाई जीरो, डेसिमल में आ रहा है आने दो। अगर डेसिमल में आए ना तो देखो ये भी लिखना, 8/3 भी लिखना और फिर डेसिमल में, दोनों लिख के दिखाना, इसका रीजन है, इसका रीजन है। ठीक है, बताऊंगा अभी ग्राफ बनाते समय, लेकिन आप ये लिख के दिखाना जरूर। मेरी हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनना है, कोई बात मिस ना हो जाए। ठीक है, ऐसी मैंने इसको बुलाया फ्रॉम इन इक्वेशन टू, ये मेरी इन इक्वेशन टू, लेट किया, इक्वल का लगाया सिंबल, टेबल तैयार, टाइप टू है, एक बार एक्स जीरो एक बार वाई जीरो। ये जो मैं टाइप बोल रहा हूँ ये वीडियो नंबर वन का रेफरेंस दे रहा हूँ, जिसको वीडियो वन नहीं आती वो वीडियो टू ना देखे, रोक दो वीडियो टू अभी अगर वीडियो वन नहीं देखी तो। ठीक है, फिर वही डेसिमल में आ रहा है, आने दो। लेकिन देखो जैसे मैंने रखा एक्स जीरो तो ये तो हो गया डेड, ये आ गया अपॉन में 11/2, तो 11/2 तो रखना है। ओके, ये तो दिखाना ही है, साथ में डेसिमल वैल्यू भी, दोनों दिखाना, दोनों मानना मेरी बात, इसका रीजन है बताऊंगा मैं अभी। फिर एक बार रखा वाई जीरो तो ये डेड हो गया अपॉन में 11/5 यानी 2.2 आ गया। 0 0 पुट किया, टेस्टिंग, फॉल्स आ गया। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं वार्निंग, जिसने वीडियो वन नहीं देखी वो इसे यहीं रोक दो, क्योंकि ये सारा काम वीडियो वन में, इसलिए मैं डिटेलिंग नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है वीडियो वन में मैं बहुत डिटेल में ही बता चुका हूं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो वन पहले देखें फिर उसके बाद यहां पे आए। इसके बारे में भी लिख दीजिए, इन इक्वेशन थर्ड रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये हमें खुद बनाना होता है, क्वेश्चन में इसकी बात नहीं होती, ये हमें खुद बनाना है हर क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब बनाता हूं मैं ग्राफ, जब तक आप इतना नोट करो। ये गाइस ग्राफ मैंने आपके सामने बना दिया। ठीक है, पहले मैंने बनाया इसका 0/2 ये रहा पॉइंट एक, और फिर कितना था 2.6/0। देखो मैं ग्राफ बनाते समय 2.6 यूज करूंगा। ठीक है, तो 2.6 ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, 2.5 बीच में होगा, 2.6 हल्का सा पॉइंट ये रहा, तो 2.6/0 ये रहा। मैंने इन दोनों को मिला दिया इस तरह से, स्केल से मिलाना है। दिस इज इक्वेशन वन, इसका फॉल्स था मतलब अवे फ्रॉम 0 0, तो 0 0 से अवे उस साइड हो गया इसका एरिया, इंडिकेशन के लिए एरो लगा दिए। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मैं यूज करूंगा 2.6 को, लेकिन लिखूंगा मैं 8/3। क्यों? अरे 8 को 3 से डिवाइड अगर करोगे तो आंसर आएगा 2.6 समथिंग 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 पॉइंट में, एक्यूरेट थोड़ी डिवाइड हुआ है ना, तो यही पॉइंट है। अगर आप कैलकुलेशन में 2.6 यूज कर लोगे तो आपका आंसर हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब भी कैलकुलेशन z निकालेंगे तो वहां यूज करेंगे 8/3, लेकिन ग्राफ में 2.6, तो बनाया मैंने 2.6, लिखा मैंने 8/3, तो ये ध्यान रखना। इसलिए आप टेबल में ऐसे लिखने की आदत डाल लो अगर डेसिमल में आए। ठीक है जी, आगे बनाता हूं मैं 0 और 5.5, 0 पे 5.5, ये 5 है, 5.5 5 और 6 के बीच में होगा, तो देखो ये 5.5 है, लेकिन लिखा मैंने 11/2। तो हमेशा फ्रैक्शन में लिखना है, डेसिमल तो ग्राफ के लिए है, प्लॉटिंग के लिए लिखना, लेकिन आपको वो है ध्यान रखना इस बात को, भूल मत जाना बिल्कुल भी। ठीक है, इसे बनाओ जी, 11/5 का मतलब 2.2 पे 0, तो ये 1 ये 2, 2.2 हल्का सा यही होगी, थोड़ा हॉचपॉच हो गया। तो ग्राफ ना बड़ा बड़ा स्केल लेना, 1 फिर 2 फिर 3, तो बड़ा बड़ा स्केल अगर लोगे तो साफ साफ दिखेगा आपको, हालांकि मैंने कोशिश की है कि आपको साफ साफ दिखे। ठीक है जी, 2.2 पे 0, 2 ये रहा, 2.2 हल्का सा यही होगा, 2.2 लिखा मैंने लेकिन 11/5 ही, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, ये 11/5 है। मैंने दोनों को मिला दिया, इसका भी फॉल्स है। ध्यान रखना लाइन खींचते ही उसका नाम लिखते हैं, नाम लिखते ही उसका ट्रू फॉल्स, तो उसका भी फॉल्स है, तो अवे अवे हो गया। तो अब एरिया हमारे बहुत सारे हैं, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो बताओ ये क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें लाइन 2 का एरिया फॉल नहीं कर रहा है, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें लाइन 1 का एरिया फॉल नहीं कर रहा है, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें लाइन 1 का एरिया फॉल नहीं कर रहा है, यही क्यों हुआ?
इसमें लाइन टू का भी फॉल कर रहा है और लाइन वन का भी, तो दिस इज कॉमन रीजन, तो इसे बोलते हैं अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। अनबाउंडेड आ गया यानी प्रॉब्लम हो गई, याद है ना, अनबाउंडेड में वो काम तो होता ही है जो होना है ना, लेकिन एक नया काम भी होता है जो अभी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था। कोई दिक्कत नहीं, पहले कर देते हैं नेमिंग। ये हो गया ए पॉइंट, इसका तो नाम मुझे मालूम है 0 11 बाई 2। ठीक है, देखो ऐसे करके रखना है, ये डेसिमल वाला यूज नहीं करना है, डेसिमल वाला ग्राफ बनाते वक्त यूज करना है। पॉइंट शुड बी नोटेड प्लीज, ओके। ये हो गया बी पॉइंट, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ये हो गया सी पॉइंट, इसके बारे में पूरी जानकारी है। ये रहा 8 बाई 3 कॉमा 0, ये रहा, इसका तो यूज ही नहीं हुआ। क्यों? अरे भाई शेडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट लेते हैं, भूल गए, शेडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट। तो शेडेड रीजन का कॉर्नर पॉइंट ये है और ये वाला है और ये वाला है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे बाउंडेड रीजन को, फिजिबल रीजन को टच करेगा ना पॉइंट, केवल उन्हीं पॉइंट्स को लिया जाएगा। अब निकालूंगा मैं बी पॉइंट, तो बी पॉइंट या तो ग्राफ से निकाल लो या ऐसे निकाल दो। तो लेकिन मैंने आपको रिकमेंडेशन दी है कि हमेशा सॉल्व करके निकालना है, चाहे एक मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। तो मैं निकालूंगा यहां पर पॉइंट बी, तो मैं लिखूंगा ऑन सॉल्विंग, ठीक है, या ऐसे करके लिखो, पहले इंडिकेशन दे दो से, नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए। 4 पॉइंट बी, बी पॉइंट के लिए, और फिर ऑन सॉल्विंग, ध्यान से देखो बी पॉइंट किस किस को कट करने से बन रहा है, एक फर्स्ट को और एक सेकंड को, तो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है जी, तो बताओ जरा फर्स्ट क्या है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये रही, 3x + 4y = 8, दिस इज फर्स्ट। और जी सेकंड क्या है बताओ जरा, सेकंड हमारी है कितनी कितनी कितनी, ये रही 5x + 2y = 11, इक्वेशन सेकंड। इसमें आप एलिमिनेशन लगाना और x और y निकाल देना, ठीक है, मैं आपकी निकाल देता हूं। एक्चुअली x की वैल्यू आपकी 2 आएगी सॉल्व करने पर, y की वैल्यू आपकी हाफ आएगी, ठीक है। तो जो पॉइंट b बनेगा वो बनेगा 2 और हाफ, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये सारा काम आप करके दिखाना, ठीक है, मैं मानता हूं कि आपको एलिमिनेशन आता है इसलिए मैंने नहीं किया। चलिए अब बनाते हैं टेबल, तो आप इतना नोट करो, टेबल पे आ रहे हैं, शाबाश जी। तो मैंने बना दिया टेबल, वीडियो नंबर 1 जिसको नहीं आती, अगेन उसे प्रॉब्लम होगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो आप ये ना समझें कि आपको समझ नहीं आ रहा, यू आर गुड, यू आर अच्छा, बट वीडियो नंबर 1 आनी चाहिए, तब कंफर्टेबल समझ में आएगा, ठीक है। टेबल बनके मेरी तैयार हो गई, ए पॉइंट, ठीक है, ये जेड दिया हुआ था, एक्स और वाई की जगह वैल्यू पुट करूंगा, कैलकुलेशन आप देख लेना, ये आ गए। अच्छा यहाँ पे देखो टाई हो गया, इसने मांगा था मिनिमम, तो दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो दोनों आंसर माने जाएंगे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, ये अनबाउंडेड है, अगर ये बाउंडेड होता तो हमारा आंसर यहीं खत्म हो जाता। यहां लिखते मिनिमम जेड इज 160 एट एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस एज वेल एज एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस, और क्वेश्चन डन हो जाता। लेकिन ये आ गया अनबाउंडेड, तो काम आगे बढ़ेगा, इसलिए अनबाउंडेड वाला लॉजिक वीडियो नंबर 1 में मैंने पूरा दिया हुआ है आपको, ठीक है, एंड में। तो सिंस फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, इसलिए क्या करना होता है, जेड को उठाना है, ये रहा जेड, उठा लिया जेड पूरा, यहां लिखना है आंसर जो आया है, ये आंसर है 160, ठीक है, और लेस देन क्यों, क्योंकि मिनिमम था, मिनिमम है तो लेस देन, मैक्सिमम है तो ग्रेटर देन, ये कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो 1 में बताया है। फिर लेट करना है, ग्राफ बनाना है, वही टाइप 2 है ये, एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, 0 0 डाला, डेसिमल में आ रहा है आने दो, लेकिन ये भी लिखना है आपको, ठीक है। ऑन पुटिंग 0 0 टेस्टिंग किया आपने, तो ये ट्रू आ गया। अब बनाऊंगा इसका ग्राफ, 0 पे 2 0 पे 2, ये रहा जी 0 पे 2, ठीक है। अब कितना है, 0 पे 2 आ गया, तो ये रहा 0 पे 2, मतलब उसी पॉइंट के ऊपर आ गया ये, तो सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। फिर कितना है, 2.6 पे 0, 2.6 का है भाई, 8 बाई 3, यही वाला पॉइंट आ गया ये, तो यार सेम टू सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर लाइन कैसे होगी ड्रॉ, तो देखो इसके साथ साथ बिल्कुल हल्का हल्का सा ना, ऐसे ऐसे कर देना, हल्की हल्की यूं डॉट 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 डॉट, हल्का हल्का, मतलब वो भी दिखे और वो भी दिखे, बिल्कुल चिपका के लिखना। टाई हो गया ना ये, तो कॉन्करेंट हो गई लाइंस, जब एक के ऊपर एक आ जाती है तो उन्हें कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर देना इधर भी, और इधर भी ये थोड़ा सा बड़ा कर देना, नाम लिख दो इधर, इसका नाम है फोर्थ, ठीक है, क्योंकि जब एक के ऊपर एक आ गई तो हल्का सा स्केल बिल्कुल पास में रख के दिखा देना, ताकि वो दिख जाए, ठीक है। और यहाँ लिख भी देना जो भी है, या लिखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे दिखा देना। नेमिंग थोड़ा सा इसकी हाइट बड़ा करके, ताकि नाम लिख पाओ। इसका ट्रू है, मतलब इसका एरिया अपोजिट टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, ओरिजिन की तरफ, क्योंकि 0 0 की तरफ होगा ये रहा। नोटिस करो, डॉटेड लाइन का एरिया कॉमन रीजन से मैच नहीं हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। अगर मैच हो जाता तो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता, नो सॉल्यूशन, ठीक है,
ऑप्टिमम नहीं था, वो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता था, लेकिन इसका एरिया इधर है, इस साइड में है, तो इसका मतलब इसका एरिया कॉमन से मैच नहीं हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, ध्यान से सीखने वाली बात है, नोटिस करना। वीडियो नंबर वन में बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन दिया है मैंने, तो आप यहां लिखोगे सिंस इन इक्वेशन फोर हैज नो कॉमन रीजन विद अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, ठीक है। सो मिनिमम जेड इज 160, तो आंसर वही माना जाएगा जो आ चुका है, तो ये दिखाना पड़ता है लेकिन ओपन में, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1/2, एज वेल एज, ध्यान रखना ये पेयर एक साथ ही रहेगा एक्स और वाई, एज वेल एज एक्स इज इक्वल टू 8/3 और वाई इज इक्वल टू 0, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये देखो मैंने दोबारा पूरी मेहनत के साथ आपको बताया है, हालांकि वीडियो नंबर वन में मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका था, आपका मेन फोकस रहेगा इसमें इक्वेशन बनाना। चलिए और बनाते हैं, देखिए गाइस क्वेश्चन आपके सामने, बड़े आराम से पढ़ना और इक्वेशन बनाने का सोचना बस, ठीक है, और कुछ नहीं आपको सोचना है। ध्यान से देखो, इसने लिखा है वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट। अच्छा, वन काइंड ऑफ केक यानी पहला केक, फिर लिखा है अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। भाई केक जब बनता है तो उसमें आटा तो चाहिए ना, फ्लोर और फैट भी, जैसे एग डालते हैं या कुछ अल्टरनेटिव जो भी डालते होंगे तो वो फैट होता है। तो कुल मिला के मैं टेबल बनाने की अगर सोचूं तो इस तरह से है, ये केक वन काइंड वाला है, पहला टाइप का केक है, और ये केक सेकेंड टाइप वाला है, ठीक है। इस तरह से मेरी टेबल बन के तैयार हो रही है, धीरे धीरे मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये देखो इस तरह से, ठीक है जी, ये तो आप टेबल बनाने में एक्सपर्ट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर ना क्वेश्चन को पढ़ने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन समरी में आ जाती है आपके पास, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखो, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, इसके साथ ना एटलीस्ट है ना एटमोस्ट है, तो इसका मतलब यहां बात हो रहा है फ्लोर की और यहां बात हो रही है फैट की, तो केक वन को 200 ग्राम फ्लोर चाहिए और 25 ग्राम फैट चाहिए, इसके सामने इंफॉर्मेशन बढ़ दी। केक टू को 100 ग्राम्स फ्लोर चाहिए और 50 ग्राम फैट चाहिए, ठीक है जी, ये आपने भर दिया। आगे बढ़ते हैं, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ केक। ओहो, ऑफ कोर्स हर बंदा हर शॉपकीपर चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा केक बनाए कम से कम मटेरियल में, ताकि उसका प्रॉफिट ज्यादा हो, ये तो नेचुरल बात है, ठीक है जी। विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर। अच्छा, यानी जो फ्लोर है वो टोटल है कितना हमारे पास, 5 kg, तो यहां लिखो 5 फ्लोर के आगे। अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि ये ग्राम है, ये ग्राम्स में और ये केजी में, तो सब कुछ सेम होना चाहिए, यूनिट मस्ट बी सेम, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो या तो आप इन्हें केजी में बना लो या फिर आप इसे ग्राम में बना लो, तो इसे ग्राम में बनाना इजी है, 5 kg को ग्राम में बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा टोटल फ्लोर, हमारे पास इतना अवेलेबल है। ऐसे देखो 1 kg फैट, ये 1 kg फैट है लेकिन अगेन ये ग्राम में और ये केजी में, तो सेम होना चाहिए, तो 1000 ग्राम्स फैट अवेलेबल है हमारे पास, ओके जी, ध्यान से देखना। आगे लिखा है देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स, मतलब जितना माल हमारे पास है, जितना मटेरियल है, सारा कंज्यूम हो जाएगा, कोई शॉर्टेज, कोई बचेगा नहीं, यूज्ड इन मेकिंग द केक, बस ये क्वेश्चन है। अब नोटिस करने वाली बात यहां पर यह है कि यहां पर तो जेड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, नहीं है ना, या है लेकिन वो हिडन है। इसने लिखा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इसने लिखा हुआ है लेकिन किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ केक के साथ, मतलब जेड यहां पर जो है वो दोनों केक की क्वांटिटी का मिक्सअप है, ये जेड है, जो मैंने कहा था ना कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो जेड ऐसे बनाते हैं, ठीक है। बात आती है एक्स और वाई किसे माना जाए, ऑफकोर्स फ्लोर के बारे में तो पूरी इंफॉर्मेशन है, फैट के बारे में ही पूरी है, तो जो आइटम शॉप से बाहर निकलेगा, शॉप से बाहर आटा जा रहा है या फैट जा रहा है, केक जा रहा है यार, फर्निश्ड आइटम जो बन के जा रहा है, तो इसे एक्स वैलेट किया जाएगा और इसे वाई लेट किया जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन हमें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम बनाएंगे इन इक्वेशंस, तो पहले लेट लिखना है, ये अपने लिए बनाया है हमने ताकि क्वेश्चन को पढ़ पाए और डेटा अच्छे से आ जाए अवेलेबल,
तो लेट नंबर ऑफ केक वन इज इक्वल टू एक्स, यानी वन काइंड ऑफ केक, नंबर ऑफ केक टू इज इक्वल टू वाई, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमाइज, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया हुआ है मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज जेड, जेड के बारे में जानकारी नहीं है तो एक्स प्लस वाई, हालांकि इसने इनडायरेक्टली बता भी दिया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केक चाहिए, तो यानी शॉप से दोनों केकों को मिला के जो क्वांटिटी निकलेगी टोटल इसका, वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, हर बंदा चाहेगा। इसके बाद एक लाइन लिखते हैं, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ठीक है जी, लाइन लिख दी मैंने सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, और देखो यहां पे बनेगी इक्वेशन इसको देख के, एक कितना है 200x, एक कितना है 100y, ऐसे लेंगे ना एक x का और एक y का, तो ये हो जाएगा 200x प्लस 100y, और ये कितना है 5000। अब बात आएगी सर यहां पे क्या आएगा, एटलीस्ट या एटमोस्ट, कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं। अब कॉमन सेंस लगाओ, खुद सोचो यार, आपके पास अवेलेबल फ्लोर 5000 ग्राम्स है, तो आप कितना खर्च करना चाहोगे, या तो 5000 पूरा खर्च कर दो या उससे कम खर्च करो, ज्यादा तो खर्च कर ही नहीं सकते, क्यों, अवेलेबिलिटी इतनी है, इसका मतलब एटमोस्ट का साइन आएगा, एटमोस्ट का साइन ये वाला होता है। और याद करो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब कंफ्यूजन हो, कोई साइन ना दिया हो, ना एटलीस्ट ना एटमोस्ट, तो आप समझ जाना एटमोस्ट का साइन आएगा, याद है नहीं, वीडियो के स्टार्टिंग में जब मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे तो वहां मैंने कहा था कि अगर एटलीस्ट या एटमोस्ट क्लियर कट कुछ ना दिख रहा हो तो एटमोस्ट लगाना। और वैसे भी यार जब दुकान में 5000 ग्राम आटा है तो आटा कितना खर्च होगा, या तो 5000 ग्राम पूरा खर्च कर दो या उससे कम खर्च करो, ज्यादा तो खर्च कर ही नहीं सकते, लाओगे कहां से, तो ये बन गई। तो ये साइन का ध्यान रखना, जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो एटमोस्ट, ठीक है। इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन तो है, इसने कह दिया है कि मैक्सिमम इतना है, तो मैक्सिमम का मतलब एटमोस्ट ही होता है। अब देखो इसको ना लगे हाथों आप सॉल्व कर लो, थोड़ा छोटा कर लो, क्योंकि देखो सब में क्या है कॉमन है, तो डबल जीरो से कर देते हैं डिवाइड, तो 2x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 50। ये इक्वेशन वन हो गई, इन इक्वेशन वन। अब इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है। तो सारे काम लगे हाथों छोटा करते रहो। अगला बढ़ाते हैं, 25x और 50y इज इक्वल टू इतना, यहां थोड़ा सा लिख दिया करो एंड वगैरह करके, 25x प्लस 50y, और यहां पर भी एटमोस्ट ही आएगा क्योंकि जितनी क्वांटिटी है या तो उतनी खर्च करो या उससे कम। इसे भी लगे हाथों छोटा कर दो, 25 से करें डिवाइड, एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल, कितना आएगा यहाँ 440, इक्वेशन नंबर टू आ गई, ठीक है। और एक नकली, आपको याद होगा एक नकली हमेशा बनती है, कौन सी, एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हो गई थर्ड। ये नकली ऐसे ही बनानी है, यहाँ पे हमेशा एटलीस्ट लेना है, इसका मतलब है एक्स और वाई यानी जो केक है या तो जीरो बनेंगे या जीरो से ज्यादा बनेंगे, नेगेटिव कभी नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। और शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, ओके जी। आगे बढ़ते हैं, तो अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको यहां लगे हाथों हिंट दे के जाता हूं। देखो जो आपका ग्राफ बनेगा ना वो कुछ इसमें इस टाइप का आएगा, मैं सिर्फ ऐसे ही आपको आइडिया दे रहा हूं, ऐसा कुछ आएगा इसका ग्राफ, ठीक है। और जो भी इक्वेशन होंगी ये आपके पॉइंट आएंगे, एक पॉइंट ये, और इसमें सारे ट्रू ट्रू आएंगे, तो ट्रू ट्रू आएंगे तो ये है, तो ये हमारा एरिया माना जाएगा, कॉमन रीजन रीजन, क्योंकि इसका भी ट्रू इसका भी ट्रू, तो ये है। और आगे ये जाएगा नहीं क्योंकि शेडिंग हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। ये नेमिंग हो गई ए, ये बी, ये वाला सी और ये वाला ओ, इसका नाम हमेशा ओ रखा जाता है, ये भी लेंगे ना, क्योंकि मैंने कहा था शेडेड रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट है वो लेते हैं। तो ए तो आपको पता है, ये तो हमेशा पता ही है, जीरो जीरो। सी आपको पता है, बी निकालना पड़ेगा इन दोनों से। बी निकालने के बाद बनाना टेबल, टेबल में ये भी डालना, ये भी डालना, ये भी डालना, ये भी डालना, ठीक है। तो डालने के बाद आपके आंसर आ जाएंगे, और इसने मांगा है हमसे क्या, मैक्सिमम। तो हमारा जो मैक्सिमम आंसर आएगा वो आएगा z इज इक्वल टू 30 जब x की वैल्यू 20 होगी और y की वैल्यू 10 होगी, तो ये आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद कंप्लीट करें, मैंने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। इक्वेशन बनाने पे फोकस करें, सॉल्व करना तो वीडियो वन में हम देख ही चुके थे, ठीक है। तो ये बाउंडेड वाला था, बाउंडेड वाले में जीरो जीरो को भी लेते हैं, ओके। और इसमें मैक्सिमा था इसलिए जीरो जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम तो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, तो उसको ट्राई करो अच्छे से, शाबाश। हाँ जी, क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन आ गया मैन्युफैक्चरिंग का, तो लॉजिक एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आराम से पढ़ते हैं, ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट। अच्छा जी, एक तो बनता है टेनिस रैकेट, ठीक है, आप फुल फॉर्म लिखना एग्जाम में, और वैसे भी टेबल तो रफ होती है, टेबल से टीचर को कोई मतलब थोड़ी होता है, तो वो तो हम अपने लिए खुद बना रहे हैं। और एक क्या है, क्रिकेट बैट, ठीक है जी, ये हो गया, ओके। आगे लिखा है
टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन टाइम। मतलब प्रोडक्ट बनने के लिए दो प्रोसेसिंग होगी, एक तो होगी मशीन टाइम की प्रोसेसिंग MT मशीन टाइम, और एक होगी क्राफ्टमैन टाइम यानी हाथ से भी उसके ऊपर काम होगा। तो इस तरह से टेबल देखो बनके मेरी ऑलमोस्ट तैयार है, और होता तो और आगे भी बढ़ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो आइटम बन रहे हैं और ये प्रोसेसिंग हो रही है मशीन टाइम की और क्राफ्टमैन टाइम की, कोई दिक्कत नहीं। लिखा हुआ है टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम, यानी यहाँ 1.5 आवर्स लग रहे हैं इसको, और 3 आवर्स ऑन क्राफ्टमैन टाइम, और यहाँ 3 आवर्स लग रहे हैं टेनिस रैकेट को, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा हुआ है वाइल क्रिकेट बैट टेक्स 3 आवर्स ऑन मशीन टाइम, क्रिकेट बैट को 3 घंटे मशीन टाइम पे लगते हैं और 1 आवर क्राफ्टमैन टाइम पे लगता है, 1 घंटा हाथ से काम होने पे लगता है। ठीक है, इन अ डे द फैक्ट्री हैज अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन, नोटिस करो नॉट मोर देन का मतलब एटमोस्ट 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम, यानी मशीन टाइम जो है वो नॉट मोर देन, मतलब एटमोस्ट का साइन ये 42 है ना, जो भी एटलीस्ट एटमोस्ट होता है उसे टेबल के बाहर लिखते हैं और उसी के सामने लिखते हैं जिसके बारे में बात हो रही है, और जी 24 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन टाइम, ये भी नॉट मोर देन है यानी ये भी एटमोस्ट है, ये 24 है। ठीक है, टेबल मेरी ऑलमोस्ट तैयार है। आगे देखते हैं इसने क्या पूछा है। नंबर वन, व्हाट नंबर ऑफ रैकेट एंड बैट मस्ट बी मेड, यानी ये और ये पूछा है, तो ऑफकोर्स इसी को एक्स माना जाएगा और इसको वाई लेट किया जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री से बाहर बन के ये जा रहे हैं और इनके बारे में बात हो रही है, इनके बारे में तो पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। नंबर टू पे बोल रहा है प्रॉफिट ऑन रैकेट एंड ऑन बैट इज ₹20 एंड ₹10 रेस्पेक्टिवली, यानी एक रैकेट पर ₹20 का प्रॉफिट है और एक बैट पर ₹10 का प्रॉफिट है, तो ये तो जेड हो गया, कितना 20x प्लस 10y, चलो जेड की बात भी आ गई, नो इशू। ठीक है, बस अब इसको LPP से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट है ये। ठीक है, तो टेबल तो बन गई भाई, टेबल से टीचर को कोई मतलब नहीं, टेबल बन रही है अपने लिए। अब लगाएंगे लेट का स्टेप, लेट नंबर ऑफ टेनिस रैकेट इज इक्वल टू एक्स लेट करो, और नंबर ऑफ क्रिकेट बैट बैट्स इज इक्वल टू वाई लेट करो। सवाल ने बोला है मैक्सिमम, तो आप भी लिखो यहां पे मैक्सिमाइज, जेड इज इक्वल टू 20x प्लस 10y। क्वेश्चन को टेबल की फॉर्म में लिखने से पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाता है और बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फिर यहां लिखते हैं हम सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। ठीक है जी, लिख दो, पहली इक्वेशन बनेगी 1.5x और 3y। नोटिस करने वाली बात, ये भी आवर्स है, ये भी आवर्स है और ये भी आवर्स है, कभी कभी ये मिनट दिया होता है, अगर ये मिनट होता और ये आवर्स होता तो उसको मिनट बनाते 60 से मल्टीप्लाई करके, पता है ना 1 आवर में 60 मिनट होती है, तो ध्यान रखना यहां पर गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। ठीक है, 6 मार्क्स का टॉपिक है ये, 6 या 4 मार्क्स का। तो पहली बनेगी 1.5x प्लस 3y और लेस देन इक्वल 42। ये अगर डेसिमल आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो ये डेसिमल यहां से हटा दो, इसके अपॉन में इस तरह से 10 लगा दो, मतलब क्वेश्चन को साथ साथ ठीक कर लो, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 30y और ये 420, ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ डिवाइड हो सकता है, कितने से, 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 से डिवाइड कर दो, या 15 से भी हो सकता है, पहले 5 से करते हैं, चलो 5 3 ज़ा और ये 5 6 ज़ा और ये 5 8 ज़ा, बचा 5 4 ज़ा, अब हो जाएगा 3 से, हो जाएगा, कर दो x प्लस 2y और 3 से होगा तो 3 2 ज़ा 6, बचा कितना 2 3 8 ज़ा, ये आ गई इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम सॉल्व हो जाए उतना आप उसे सॉल्व कर दो। ठीक है जी, ध्यान रखें। अब बनाएंगे दूसरी इक्वेशन, ये रही, एक बनेगी 3x और एक बनेगी y इज इक्वल टू इतना, तो यहां जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग, 3x प्लस y और लेस देन इक्वल 24, दिस इज सेकंड। और एक नकली इक्वेशन जो हमेशा बनाते हैं, x y ग्रेटर देन इक्वल 0, इसको मैं नकली बोलता हूं एक्चुअली, ठीक है, बट असली तो यही है, ये तो हमेशा बनानी है। इसका मतलब क्या है कि x और y की वैल्यू कुछ भी हो, या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो, और शेडिंग कहां होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसके बाद ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन बनती है, जिसको इक्वेशन बनानी आ गई तो सॉल्व तो आप सीख चुके हो वीडियो नंबर 1 में। ठीक है, चलिए मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूं आंसर का। ठीक है, एक लाइन कुछ ऐसे करके आएगी और एक लाइन कुछ ऐसे करके आएगी, तो ये आपका एरिया बन के आएगा दोनों का ट्रू का,
ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट सारे माने जाएंगे। आप बना लोगे इसके अंदर क्या, टेबल। ठीक है, टेबल बनाने के बाद आपका जो आंसर आएगा निकल कर वो आएगा जी 200, यानी जो जेड आएगा मैक्सिमम वो आएगा आपका 200 एट एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 12 पर। तो ये मैंने आपको हिंट दिया है कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन ट्राई करें, डेसिमल में आ जाए तो डेसिमल हटा दो ताकि आपको दिक्कत ना हो, पॉइंट से डरना नहीं है। दूसरी बात ध्यान रखना है, ये अगर मिनट में होता और ये आवर में, तो इसको भी आवर मिनट में चेंज कर लेते, बट यहाँ सब कुछ आवर में था। और ये नकली इक्वेशन जरूर बनानी है, नकली। ठीक है, नकली मतलब एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसे नकली नहीं बोलते, मैंने जानबूझ के नाम रखा हुआ नकली ताकि आपको याद रहे। गाइस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ तो आपको पूरा क्वेश्चन एक एक साथ दिख रहा है, बट आने वाले जो स्क्रीन है उस पर ये क्वेश्चन मैंने दो पार्ट्स में दिखाया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना प्लीज जी। क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़े, इसमें लिखा है कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स पेडिस्टल लैंप। अच्छा, एक तो बन रहा है इसके अंदर पेडिस्टल लैंप। ओके, देखो आइटम क्या है उसे कोई मतलब नहीं, बस ये देखो क्या बन रहा है, एंड वुडन शेड। और एक बन रही है जी वुडन शेड। ठीक है जी, दो तरह के आइटम बन रहे हैं, ये हमारी टेबल का कुछ ढांचा तैयार होता हुआ दिख रहा है हमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड स्प्रेयर। ये जो ग्राइंडिंग और कटिंग है ये एक ही मशीन है, तो इसके अंदर एक तो ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन यूज होती है मशीन, ठीक है ये रहा, और एक स्प्रेयर यूज होता है। स्प्रेयर मतलब पेंटिंग के लिए कुछ होता होगा। अब वो क्या होता है आपको डिटेलिंग में थोड़ी जाना है, आपको तो बस क्वेश्चन की इक्वेशन बनानी है। तो टेबल का ढांचा बन रहा है, आगे देखते हैं। इट टेक्स 2 आवर ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड 3 आवर्स ऑन स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर अ पेडिस्टल लैम्प। ओहो, पेडिस्टल लैम्प की इंफॉर्मेशन है। 2 आवर्स लगते हैं ग्राइंडिंग कटिंग मशीन पर और 3 आवर लगते हैं स्प्रेयर पर। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे बोलेगा, लेकिन आप बनाओगे टेबल तो डेटा टेबल के अंदर आ जाएगा, और जैसी डेटा टेबल में आ जाएगा फिर तो आप शेर हो, सवा शेर हो। आगे बढ़ रहा है। व्हाइल इट टेक्स 1 आवर ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड 2 आवर्स ऑन स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर शेड, यानी वुडन शेड बनाने के लिए 1 आवर तो ग्राइंडिंग कटिंग मशीन पे चाहिए और 2 आवर्स स्प्रेयर पे चाहिए। ठीक है, टेबल हमारी भर गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है ऑन एनी डे। अच्छा, ऑन एनी डे सुनना आप, द स्प्रेयर इज अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 20 आवर। नोटिस करने वाली बात, हमारा जो क्वेश्चन का फ्लो चल रहा था वो ग्राइंडिंग कटिंग मशीन पहले बोल रहा था, स्प्रेयर बाद में बोल रहा था। अब देखो इसने बोला है कि स्प्रेयर इज अवेलेबल एटमोस्ट 20 आवर। एटमोस्ट का मतलब ये रहा और 20 का मतलब ये रहा। तो यहां तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में ये 20 यहां लिख देते हैं, वो सोचते हैं फ्लो तो यही है ना, पहले ग्राइंडिंग कटिंग मशीन बाद में स्प्रेयर, तो क्वेश्चन ने फ्लो बदल दिया। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ये गलती बहुतों से होती है। ठीक है, 100 में से कम 20 बच्चे तो ये गलती करते ही करते हैं कि डेटा यहां वहां हो जाता है। तो स्प्रेयर के नीचे लिखना है एटमोस्ट 20, ये सीखने वाली बात थी इसमें। आगे इसमें बोल रहा है कटिंग मशीन एटमोस्ट 12 आवर्स। कटिंग मशीन एटमोस्ट का साइन ये रहा, 12 आवर्स लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट लैंप से 5 रुपए का है और शेड से 3 रुपए का है, तो ये एक्स लेट होगा और ये वाई लेट होगा, क्योंकि यही आइटम बन के बाहर जाएंगे, इस पे 5 रुपए का, इस पर 3 रुपए का, तो जेड हमारा हो जाएगा जी 5x+3y। ठीक है, ध्यान रखना है, ये मैक्सिमाइज करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आगे बोल रहा है अज्यूमिंग दैट मैन्युफैक्चरर कैन सेल ऑल द लैंप एंड शेड दैट ही प्रोड्यूस, मतलब जितने आइटम बनाता है सारे बेच देता है, स्टॉक नहीं रखता। हाउ शुड ही शेड्यूल हिज डेली प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। सिंपल, तो एक तो इसमें सीखने वाली बात क्या थी कि एंड में अगर वो ऑर्डर बदल दे, ठीक है, तो आपको बड़ा सावधान रहना है। तो बस लेट तो इसमें हो ही जाएगा, लेट कर लो। नंबर ऑफ पेडिस्टल लैंप आप फुल फॉर्म लिखना इज इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ वुडन शेड, ठीक है जी, इज इक्वल टू वाई। इसके बाद मैक्सिमाइज लिखो, जेड की इंफॉर्मेशन है, दैट इज 5x+3y। इसके बाद सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स लिखो, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ऐसे लिखना जरूरी है, थोड़ी राइटिंग मेरी ऐसी हो गई है, देख लेना, पहले 2x फिर y, तो 2x+y सिंबल ये रहा, ऑलरेडी इक्वेशन शॉर्ट है, ठीक है, आगे देखेंगे 3x+2y सिंबल ये रहा 20 ये रहा। ठीक है जी, और एक नकली, नकली मत भूल जाना, ये नकली बनेगी,
हाँ ये जरूर ध्यान रखनी है, और यहाँ एटलीस्ट आएगा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक्स और वाई या तो जीरो या जीरो से बड़े, नेगेटिव नहीं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और पूरा देखें। मैं आपको हिंट के तौर पे बता देता हूँ, इसका डायग्राम कुछ कुछ जो है ऐसे और ऐसे आएगा। ये आपका एरिया आएगा इसके अंदर, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। ठीक है, और आपका जो आंसर इसके अंदर आएगा वो आएगा जेड इज इक्वल टू 32 एट एक्स इज इक्वल टू लैम्प आएंगी 4 और वाई इज इक्वल टू शेड आएंगे 4। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अपने आप को टेस्ट करो, इक्वेशन बनाना सीखो बस। गाइज इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो, अभी वीडियो को पॉज कर दो और खुद ट्राई करो। हालांकि मैं आने वाले सेक्शन में इसका हिंट और ग्राफ बता के छोड़ूंगा, तो आप खुद ट्राई करना है इसको। ठीक है, ये जो परसेंटेज है ना इसको 100 में बोलेंगे, जैसे 6% है तो 6/100। देखिए ये इसका आंसर आएगा, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा और नेमिंग आपके ऊपर होगी। परसेंटेज अगर है तो अपॉन 100 बोलना है। ठीक है, तो पहले आप इसे खुद ट्राई करना, फिर जाके ये हिंट देखना, कभी आप देख देख के ही कर दो, इक्वेशन बनाना आना चाहिए। देखिए गाइज ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनकी भी इक्वेशंस बनाओ, सॉल्व करो, नीचे मैंने आंसर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो चेक करो अपने आप को, जितना ज़्यादा चेक करोगे उतना ज़्यादा आएगा। पॉइंट के नाम कुछ भी हो सकते हैं आपके, डिफरेंट हो सकते हैं, इसके डिफरेंट हैं। ऑल राइट गाइज कुछ क्वेश्चंस और हैं, देखिए इनको आराम से आप पढ़ो और इनके नीचे आंसर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो वेरीफाई करो, बाकी आप अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस इसमें लगा के जा रहा हूँ, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, डाइट और मैन्युफैक्चरिंग। गाइस देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने और इनके आंसर मैंने दे दिए, रेड पेन से मार्क किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में एंड में जो पूछा हुआ है ये अब हट गया है, एक्चुअली से बोलते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, तो आप सिर्फ ग्राफिकली तक देखना। ओके, ट्राई करो उनको अभी। गाइस जितने क्वेश्चन आप ट्राई करोगे आपको इन इक्वेशन बनाना आ जाएगा एंड यू विल बी इन कंफर्टेबल स्टेट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।